अनफॉर्चुनेटली तो वो वाली प्लानिंग हमारी फ्लॉप हो चुकी है मतलब वैसे ही हमने यूट्यूब पे बहुत खर्चा कर दिया है जैसे ये मोबाइल लेके आईफोन लेके और एच का बड़ा सा लैपटॉप लेके उसमें भी बहुत खर्चा हुआ है और का और एयरपोर्ड भी ले लिए थे तो खर्चा वैसे बहुत हो चुका है तो हम एक्स्ट्रा खर्चा और नहीं करने वाले वेलकम टू न्यू डे एंड माई न्यू ब्लॉग तो आज का ब्लॉग कुछ ऐसा होने वाला है कि ये दिख रहा है हमारा राउटर प्यारा सा छोटा सा बिचारे को एक साल हो चुका है तो एक साल में इसकी हालत ऐसी हो गई है कि अभी हमारे राउटर की स्पीड इतनी अच्छे से नहीं आ रही मतलब 100 Mbps का हमने प्लान डालकर रखा है लेकिन फिर भी उसकी स्पीड बहुत ही घटिया आ रही है लैपटॉप में चल के आपको स्पीड दिखा दो तो रुको अभी देखो ये स्पीड टेस्ट करेंगे अपन तो अभी तो यहीं पे ये घूम रहा है इतनी गंदी स्पीड आया 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 बहुत टाइम बाद आया देखते कितनी स्पीड दे रहा है अरे दिखा दे भाई आजा अभी तक यहाँ पे घूम ही रहा है दिखा 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 और यहाँ पे कुछ भी नहीं आया आई एम वेटिंग 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 कुछ भी शो नहीं हो रहा है सर्चिंग करना बंद हो गया आया अभी वाओ 100 एमबीपीएस की स्पीड में क्या स्पीड आ रही है गुड 100 एमबीपीएस का वाईफाई है भाई अपलोडिंग स्पीड थोड़ी उछाल मार रही है लेकिन चार 5 के ऊपर नहीं तो फाइनली रिजल्ट इज हियर तो ये थी घटिया से स्पीड अब इस स्पीड का हम क्या करें वो सोच रहे हैं सो so, वेट करते हैं उन्हें कॉल करते हैं और ये राउटर शायद उन्होंने बताया था लास्ट टाइम कि ये खराब हो चुका है इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज बार बार कनेक्शन भी हट जाता है इसका कनेक्ट नहीं हो पाती ये चीज़ें जैसे लैपटॉप हो गया टीवी हो गई कई बार ये कनेक्ट नहीं हो पाती है, तो राउटर को बंद करके चालू करना पड़ता है और हमने कई बार कंप्लेन भी की है तो वहां से स्पीड अच्छी आ रही है लेकिन हमारे यहाँ से राउटर की स्पीड खराब आ रही है तो प्रॉब्लम राउटर में है तो राउटर चेंज करना पड़ेगा तो उसके लिए कॉल करते हैं उन्हें तो हमने कॉल तो कर लिया कॉल पे बात हो चुकी है अब वेट करते क्या कर रहे फिर आज का ब्लॉग का ब्लॉग चालू है लेकिन अभी तक हमारा राउटर आया नहीं है तो राउटर के आने का वेट कर रहे हैं तो उसके आगे का ब्लॉग बनेगा नहीं तो हम राउटर का वेट ही करते रह जाएंगे अभी हमने कॉल भी किया तो अभी उनके पास में राउटर है कि नहीं है उन्हें नहीं पता है वो जाके चेक करेंगे उसके बाद में हमें रिवर्ट आएगा कि क्या पॉसिबिलिटी है आज राउटर लगने की आज का ब्लॉग हमें नहीं पता क्या बनने वाला है आज, <laughs> आज मैंने सोचा था राउटर का ही ब्लॉग बनाएंगे लेकिन क्या हमें रील्स भी बनानी है ना पहले ब्लॉग की शुरुआत दे ब्लॉग की शुरुआत नहीं हुई है क्योंकि शुरुआत में कुछ डालना पड़ेगा ना तो हमने बीच का बना लिया बात का बना लिया शुरुआत नहीं की तो शुरुआत करते हैं सो so, हमने व्लॉग स्टार्ट कर लिया है व्लॉग स्टार्ट करने के बाद में चलो चलते हैं ऊपर कुछ प्लानिंग हो रही थी उसके बारे में भी बताता हूँ सो so, हम जा रहे हैं ऊपर मतलब आ चुके ऊपर हा धूप भी जा चुके सो so, आज हमारी प्लानिंग थी वैसे क्या थी प्लानिंग क्या थी शॉर्ट्स नहीं शॉर्ट्स रील्स जो भी है वो बनाने की लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो नहीं बना रहे है अरे यार इसके कलर में फिर से प्रॉब्लम आ गई बहुत डल डल सा लग रहा है ना एकदम ऐसा लग रहा है हाँ। डार्क काले हो गए अपन हाँ। और इस तरफ का दिखा किधर का नहीं, <laughs> नहीं। इधर अच्छे दिख रहे ये हाँ। वाली पोजीशन सही है ये थोड़ा, मतलब पीछे से जब लाइट आएगी तो अच्छा दिखेगा और जब इधर से लाइट आ रही है ये सीन... तो बहुत डार्क हो रहे हैं सही है Hmm. तो हाँ चलो इसी हिसाब से बताते हैं कि ये ये वाला जो एरिया था इसको हम बनाने वाले थे स्टूडियो जो प्लानिंग तुझे भी बताई हाँ. थी तो अनफॉर्चुनेटली वो वाली प्लानिंग हमारी फ्लॉप हो चुकी है मतलब वैसे ही हमने यूट्यूब पे बहुत खर्चा कर दिया है जैसे ये मोबाइल लेके आईफोन लेके और एच का बड़ा सा लैपटॉप लेके उसमें भी बहुत खर्चा हुआ है और क्या मैं और एयरपोर्ड्स भी ले लिए थे तो खर्चा वैसे बहुत हो चुका है तो हम एक्स्ट्रा खर्चा और नहीं करने वाले जो हमने स्टूडियो के लिए सोचा था स्टूडियो में बहुत ज्यादा खर्चा जाता है क्योंकि सब बनाना पड़ता और उसके बाद में स्टूडियो के अंदर भी बहुत सारी चीजें लगती तो बहुत लग जाता अब यहाँ तो लॉक लगा हुआ है हम आपको अपना नया स्टूडियो बताते हैं अभी तैयार नहीं हुआ है लेकिन हम इसको स्टूडियो इस बनाने वाले हैं और राउटर भी इसीलिए नया लगवा रहे हैं ये तो इसकी केबल है अपने नेट की तो राउटर भी इसीलिए हम अच्छा वाला लगवाने वाले हैं ताकि उसकी स्पीड ऊपर तक आए और कनेक्शन ऊपर तक भी हो जाए तो लेट से क्या होता है अभी तक तो वो आए नहीं और यहीं पे है टावर यहाँ से दिखता है टावर किसका है जियो का जियो का, जीओ का।, जीओ का लेकिन जियो फाइबर यहाँ पे नहीं आ जाए, है ना? ये देखो खिल्ला निकल गया अब इसको हथोड़ी लाके ठोकना पड़ेगा हमारा हाथ थोड़ा क्या बात है चले के अंदर <laughs> अरे यार फिर से भोगने लग गई है बेचारी हमारे यहाँ पे एक डॉगी थी उसके सभी बच्चों को जो मेरे ब्लॉग्स में आए भी है उनको पिग ने मतलब बड़ी सी पिक थी उसने खा लिया एक एक करके पता नहीं उनके इसमें कुछ लड़ाई हो रही थी तो खा गई जो कि सैडली बहुत गलत हुआ लेकिन कुछ नहीं कर सकते बचाने की बहुत कोशिश की थी हमने लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं बचा पाए है ना हाँ, बहुत देर हो गई थी अपन ने उस दिन ढूंढा भी था ना बिल्कुल बहुत ढूंढा था बच्चों को तभी पता चला हमें कि एक, एक फीमेल पिग उसने सबको खा लिया धीरे धीरे करके हाँ। चलो ब्लॉक के दूसरी तरफ आते हैं और सूरज अभी ढल रहा है अभी ढला है तो हम नीचे चले क्योंकि तो ऊपर का ब्लॉग काफी बड़ा बन गया है और हमें एडिट भी करना पड़ेगा अगर आज राउटर लग गया तो ये ब्लॉग काफी बड़ा बनेगा अगर नहीं लगा तो छोटा बनेगा <laughs> पर घूम के भी आ गए लेकिन हमने कोई रील्स नहीं बनाई रील्स कल बनाएंगे क्योंकि तो कल के लिए कोई टॉपिक चाहिए ना तो आज ही से हमने ढूंढ लिया सो बढ़ चुके हैं अपने व्लॉग में आगे और अब समय आ रहा है इस ब्लॉग को एंड करने का उसके पहले अभी अब की रिपोर्ट आपको बता देता हूँ सो so, अभी तक की रिपोर्ट ये है कि हमारे वाईफाई के राउटर का अभी तो फिलहाल में कुछ हुआ नहीं क्योंकि अपना राउटर है सिंगल बैंड का और डबल बैंड का राउटर लगवाना है सो so, वो जिनसे लगवाना है जिनका कनेक्शन है मतलब जिनका वाईफाई कनेक्शन दिया हुआ है तो उनके पास में अभी अवेलेबल नहीं है सो so, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा लेकिन उन्होंने वहां से अपने सिस्टम से कुछ सेटिंग्स चेंज की है तो उससे देखते कुछ स्पीड में फर्क आता है क्या सो लेट्स चेक करते सो so, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं सो so, ठीक है पहले से तो डिफरेंस है सो so, अभी दे रहा है एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग तो चलो सही हो गई नाइन्टी वन नाइनटी टू सो ये बेस्ट चीज है सो so, वैसे हमें अपलोडिंग ही सबसे मेन लगती है अपलोडिंग करने के लिए डाउनलोडिंग का तो इतना कोई फर्क है नहीं वीडियो देखते हैं या कुछ सीखते हैं तब उसकी जरूरत होती है ठीक so, है इतनी ट्वेंटी सेवन आ रही है एटी फोर आ रही है एक थंबनेल ले लेते हैं उसके बाद में मिलते हैं सो so, हो चुका है अपना थंबनेल एंड ठीक है अब ये वाला मैटर भी खत्म करते हैं मतलब ये वाला ब्लॉग भी खत्म करते हो काम पे लग जाते हैं सो so, ठीक है मिलते कल वाले ब्लॉग में जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए खुश रहिए मस्त रहिए एंड उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए ख्याल रखिए अपनी सेहत का अपना और मिलते हैं कल जब तक के लिए ओके बाय बाय